महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी। महाराष्ट्र की 288 और हरियाणा की 90 सीटों पर मतदान। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, कहा लोकतंत्र के त्योहार में भागीदार बने, सभी से वोट डालने की अपील। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट में लिखा कि हरियाणा के सभी भाई बहन जलपान से पहले प्रदेश की विकास गाथा में बने भागीदार। गृह मंत्री अमित शाह ने किया महाराष्ट्र चुनाव को लेकर ट्वीट, लिखा छत्रपति शिवाजी के सपने को साकार करने वाली सरकार को चुनने के लिए एक एक वोट जरूरी। महाराष्ट्र में आज पब्लिक हॉलीडे घोषित, पूरे राज्य में सारे सरकारी दफ्तर स्कूल बंद। महाराष्ट्र में चुनाव की वजह से आज शेयर बाजार बंद, अब कल होगा BSE और NSE में कारोबार। कड़ी सुरक्षा के बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जारी। सभी 9894 पोलिंग बूथ पर 40,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, CRPF की 22 कंपनियां तैनात। हरियाणा में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम, राज्य में CRPF की 30 कंपनियां तैनात। राज्य पुलिस के 26,896 जवान, 22,806 होमगार्ड भी चुनावी ड्यूटी पर। आज 17 राज्यों में उपचुनाव के लिए डाले जा रहे हैं वोट, 2 लोकसभा और 51 विधानसभा सीटों पर मतदान। यूपी की 11 सीटों पर योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा। बिहार में आज सत्ता का सेमीफाइनल, 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए मतदान, दांव पर उम्मीदवारों की किस्मत। आज कर्नाटक में 15 विधानसभा सीट पर उपचुनाव, गुजरात राजस्थान में भी उपचुनाव, केरल में 5 विधानसभा सीट पर उपचुनाव तो पंजाब में 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वोट डाला, लोगों से 100% मतदान की अपील की। NCP नेता अजित पवार ने मुंबई में वोट डाला, महाराष्ट्र के बारामती से लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र के गोंदिया में फूलों और गुब्बारों सजाया गया पोलिंग बूथ, वोट डालने पहुंच रहे लोग। अभिनेत्री शोभा खोटे ने मुंबई में वोट डाला, लोगों से वोट देने की अपील की। मुंबई के वर्ली इलाके में 84 साल के बुजुर्ग दंपति ने किया मतदान, अपनी शादी की सालगिरह पर गांव से मतदान करने पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल में साइकिल से वोट डालने पहुंचे, दिया प्रदूषण मुक्त वातावरण का संदेश। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर करीब 1,83,00,000 मतदाता तय करेंगे 1,168 उम्मीदवारों की किस्मत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के त्रिलोचन सिंह से है मुकाबला। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर, अनुच्छेद 370 को हटाने और NRC लाने को बीजेपी ने बनाया अपना हथियार, बेरोजगारी और आर्थिक मंदी को कांग्रेस ने बनाया चुनावी मुद्दा। 2019 में हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें जीती थी बीजेपी, इस बार फिर से बीजेपी के लिए हरियाणा में सत्ता पर काबिज होने की है जंग। हरियाणा में बुजुर्ग मतदाताओं में दिखा जोश, वोटिंग शुरू होते ही कतार में लगकर अपनी बारी का कर रहे इंतजार। हरियाणा के वोटर जोश में, सुबह से ही वोटिंग के लिए लगी लंबी लाइन। धारा 370 हटने, ट्रिपल तलाक कानून बनने, अयोध्या पर सुनवाई पूरी होने और लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार 18 राज्यों में चुनाव, मोदी सरकार के बड़े फैसलों पर पता चलेगा देश का मूड। मुंबई में NCP सांसद सुप्रिया सुले ने परिवार समेत किया मतदान। हरियाणा में कुलदीप विश्नोई, योगेश्वर दत्त, बबीता और गीता फोगाट ने किया मतदान। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के लिए बॉलीवुड स्टार्स मतदान करने पहुंच रहे, पद्मिनी कोल्हापुरी ने की वोटिंग। मुंबई में अभिनेत्री लारा दत्ता और टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति ने डाला वोट। मुंबई में फिल्म अभिनेता आमिर खान ने अपनी पत्नी किरण राव के साथ किया मतदान। महाराष्ट्र के लातूर में रितेश देशमुख ने अपनी पत्नी जेलेनिया के साथ किया मतदान। मतदान के दिन में नहीं थम रहा बदजुबानी का दौरा, INLD नेता अभय चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तुलना जनरल डायर से की। मध्य प्रदेश की झाबुआ विधानसभा सीट पर मतदान जारी, बीजेपी प्रत्याशी भानु भूरिया और कांग्रेस कैंडिडेट कांति लाल ने पत्नी के साथ डाला वोट। बस्तर की चित्रकूट सीट पर भी मतदान, बीजेपी के लच्छू राम कश्यप और कांग्रेस के राजमन बेंजाम के बीच जंग, नक्सल प्रभावित सीट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।
पंजाब विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। जलालाबाद, मुकेरिया, फगवाड़ा और दाखा में शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। हिमाचल के धर्मशाला और पच्छाद विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान केंद्रों में मतदाताओं की कतारें। पच्छाद में 113 और धर्मशाला में 89 पोलिंग बूथों में हो रही है वोटिंग। बिहार के समस्तीपुर, भागलपुर, किशनगंज और सहरसा में ईवीएम में खराबी आने से मतदाता दिखे मायूस, प्रशासन की टीम ने किया ठीक। राजस्थान के खींवसर और मंडवा में उपचुनाव के लिए मतदान जारी। अभी तक 4.55% वोटिंग, 24 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। पुणे में एक पोलिंग बूथ पर चली गई बिजली, मोमबत्ती जलाकर वोटिंग प्रक्रिया को बढ़ाया गया आगे। देश के चुनावी इतिहास में पहली बार हुआ बारकोड का इस्तेमाल, पुणे में एक मतदाता ने बारकोड स्कैन कर डाला वोट। नागपुर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पत्नी संग किया मतदान, स्याही लगी उंगली दिखाई। पीओके में सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के बाद तीसरी कार्रवाई, बोफोर्स तोप से तबाह किए गए 4 आतंकी कैंप, 10 पाकिस्तानी सैनिक और कई आतंकी मारे गए। कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी में सेना के 2 जवान शहीद, एक नागरिक की भी मौत, घरों को निशाना बनाकर मोर्टार से हमले कर रहा पाकिस्तान। कमलेश तिवारी हत्याकांड के 3 आरोपियों को सूरत से लखनऊ लाएगी पुलिस, होटल के कमरे से मिला चाकू और खून सना भगवा रंग का कपड़ा। अशफाक ने रोहित सोलंकी नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया था। पुलिस स्मृति दिवस पर दिल्ली में गृह मंत्री शाह ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कहा पुलिस कर्मियों की वजह से देश सुरक्षित। राजस्थान के डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने जयपुर में शहीद स्मारक पर जवानों को दी श्रद्धांजलि, तमाम अधिकारी रहे मौजूद, पुलिस जवानों ने किया रक्तदान। जैसलमेर में आर्मी और एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास, सेना दिखा रही है पराक्रम का दम, दक्षिणी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी मुख्य अतिथि। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक गोदाम में लगी आग, तो इंदौर के गोल्डन होटल में भी आग, होटल में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। राजस्थान के कोटपुतली में बड़ा हादसा टला, निजी स्कूल बस खाई में गिरी, सभी बच्चों को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बचाया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सांसद रवि किशन ने लिया लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा, मुंबई में डाला वोट। कश्मीर से देश विदेश जाने वाले अखरोट का कारोबार लगभग 120 करोड़ तक इस साल जाने की उम्मीद, 23 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है अखरोट। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकेंगे देश में मौजूद सभी राजदूत और मिशन प्रतिनिधि, गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने दिया न्योता।